नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा अनार। अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं? दाढ़ी मम। क्या कहते हैं? दाढ़ी मम। और नीचे इसका चित्र दिया गया है। नंबर दो पर शब्द है अनानास। अनानास, अनानास को संस्कृत में क्या कहेंगे? अनानासम। अनानासम, ठीक है, क्या कहेंगे? अनानासम। नंबर तीन पर है अदरक चटनी। अदरक की चटनी, अदरक की चटनी को क्या कहेंगे? आर्द्र कोप सेचनम। आर्द्र कोप सेचनम, क्या कहेंगे? आर्द्र कोप सेचनम। अब आगे अदरक को क्या कहेंगे? शब्द हमारा अदरक, संस्कृत में क्या कहेंगे? अरद्रकम। क्या कहेंगे? अरद्रकम। अब आगे हम शहरों में ऊंची ऊंची मीनारें तो देखते हैं, गांव के लोग अटारी कहते हैं उनको, तो अटारी शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे? अट्टह। क्या कहेंगे? अट्टह। देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का चित्र भी दिया है आपके सामने। अब आगे शब्द है हमारा अग्नि। वैसे तो अग्नि शब्द भी तत्सम शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है, पर इसका भी एक और शब्द अर्थ दिया गया है संस्कृत में, कृषाणु। कृषाणु, नीचे अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्द है अखरोट पेड़। अखरोट पेड़, अर्थ है इसका संस्कृत में अक्षोट है, वृक्ष है। अखरोट के पेड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में? अक्षोट है, वृक्ष है। अक्षोट है, वृक्ष है। अब आगे अखरोट है हमारे सामने, शब्द हमारा अखरोट। अखरोट को क्या कहेंगे संस्कृत में? अक्षोट है। क्या कहेंगे? अक्षोट है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो हमने शब्द आज सिखाए हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, और भविष्य में आशा करता हूँ आप संस्कृत में ही इन शब्दों का प्रयोग करें। जो आप हिंदी में बोलते हैं वहाँ पर संस्कृत के शब्दों का आप प्रयोग करें, और इसी तरह की अनेकों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टुडे क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, आपका मित्र।